असल में हम तो एनसीसी में आए हैं यूनिटी और डिसिप्लिन के लिए। बिल्कुल, वो हमारा मेन मकसद है एनसीसी में आने का। लेकिन सर, हमारी मैसेज यूथ के लिए ये है कि हम भी किसी को देख के इंस्पायर हुए एनसीसी में आने के लिए। हमारी मैसेज ये है यूथ को कि वो भी इंस्पायर हो जाए और एनसीसी में आए, और जो इसमें एक्टिविटीज है एनसीसी में, बहुत सारी एक्टिविटीज है, उसमें पार्टिसिपेट करें, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और सबसे ज़्यादा हमारी एकेडमिक्स या किसी और इसमें हमारी स्पेशल इंट्रीज रहती है इसकी। बाकी गाज सर छत। तो आपको कैसा लग रहा है एनसीसी में आके आजकल? मतलब रिजर्वेशन 5%, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, हर एक में फ़ायदा है, तो इस बारे में आप बताइए। सर, जो असल में हम तो एनसीसी में आए हैं यूनिटी और डिसिप्लिन के लिए। बिल्कुल, वो हमारा मेन मकसद है एनसीसी में आने का। लेकिन अभी गवर्नमेंट हमें दे रही है रिजर्वेशन, चाहे डिफेंस में दे रही है या एकेडमिक्स में दे रही है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है, और उससे हम बहुत खुश भी है और शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको बढ़िया मिल रहा है, स्पेशली एनसीसी में। यस सर, यूनिवर्सिटी लेवल में भी मिल रहा है, अगर हमें एडमिशन लेना हो तो रिजर्वेशन होती है हमारे लिए स्पेशल एंट्री। एनसीसी का अलग कोटा आता है हर एक चीज़ में। यस सर, अगर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे या CDSE या SSB में जाएंगे, हर एक में कोटा आता है। यस सर, जो एनसीसी का की स्पेशल एंट्री होती है, खासकर जो डिफेंस में आता है एनसीसी की स्पेशल एंट्री, तो उसमें सब हम सभी उसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि हम उसका इंटरव्यू जो है क्वालिफाई कर पाए। और इस साल हमारे बहुत से कैंडिडेट्स, हम भी खुद भी जा रहे हैं वो इंटरव्यू देने के लिए, ताकि हमारी सिलेक्शन हो उसमें। तो मैसेज क्या है आपके, खासकर यूथ को आना चाहिए एनसीसी में, मतलब हर एक चीज़ में उनको फ़ायदा मिल रहा है? यस सर, मेरे सर हमारी मैसेज यूथ के लिए ये है कि हम भी किसी को देख के इंस्पायर हुए एनसीसी में आने के लिए। हमारी मैसेज ये है यूथ को कि वो भी इंस्पायर हो जाए और एनसीसी में आए, और जो इसमें एक्टिविटीज़ है एनसीसी में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करे, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और सबसे ज़्यादा हमारी एकेडमिक्स या किसी और इसमें हमारी स्पेशल इंट्रीज रहती है इसके लिए। चलो शुक्रिया, थैंक यू सर। ना हम भी जा रहे हैं ना, अभी इंटरव्यू के लिए ले आते हैं। हम जा रहे हैं सर, 1st तारीख 25 को निकल रहे हैं। यूपी लाभ एसएसबी।